कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। पार्टी ने महंगाई को लेकर जम्मू कश्मीर में 15 फरवरी से 30 मार्च तक का 45 दिन का एक मोमेंट हाथ में लिया था सरकार को जगाने का, कि हर चीज़ में टैक्स लगाकर कीमतें आसमान छूने वाली इस सरकार ने बनाई, जबकि आमदनी का कोई जरिया इंक्रीज नहीं किया है। ऐसे में जो हमारे जम्मू कश्मीर के एवरेज लोग, गरीब लोग, पसमानदा लोग जो महसूस कर रहे थे कि हमारे ऊपर महंगाई का बर्डन ये सरकार बढ़ा रही है, हमने उस आवाज़ को कोने कोने से सरकार को सुनाने का कोशिश किया। उस बीच में सरकार की कोशिश रही ज़बरदस्त कांग्रेस पार्टी को रोकने की, टोकने की, जेल भरने की, मगर मुझे खुशी है हमारे कांग्रेस के वॉलंटियर्स ने आम लोगों के साथ इन चीज़ों की परवाह किए बगैर 45 दिन में करीब 100 से ज़्यादा प्रोटेस्ट, रैलीज और सेमिनार्स अंजाम दिए। और ये फेज़ वन के तौर पर हमारा डीजल, पेट्रोल, गैस, टोल टैक्स, रोड टैक्स, पावर टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब चीज़ों के विरुद्ध में ये मोमेंट थी। और अब हम फेज़ टू में आने वाले कुछ दिन में शुरू कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट ही होगा मगर एक दूसरे तरीके से होगा। कोशिश हमारी रहेगी कि हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये सरकार, इनके कान में बात जाती है, कंसेशन देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वक्त आने पर लोग इनसे कंसेशन खुद लेंगे, ये हमारी उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।